पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं नादौन विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विधायकों को संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने के मुद्दे पर हमीरपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी समर्थन किया है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधायकों की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए और जल्द प्रदेश सरकार को इसमें काम करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये कदम जल्द उठाने की जरूरत है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं नादौन विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने के मुद्दे पर हमीरपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी समर्थन किया है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधायकों की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए और जल्द प्रदेश सरकार को इसमें काम करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये कदम जल्द उठाने की जरूरत है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधायकों की संपत्ति को लेकर सारी बातें साफ होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता चल सके कि चुनावों से पहले विधायक के पास क्या था और बाद में संपत्ति कहां से आई। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र में भी विधायकों की संपत्ति सार्वजनिक पोर्टल पर होने की मांग की है ताकि जनप्रतिनिधियों की संपत्ति के बारे में आम लोग जानकारी ले सकें। वहीं संपत्ति सार्वजनिक मामले में बीजेपी विधायक भी सहमति जता रहे हैं जिस पर सरकार को अब कदम उठाना चाहिए। अभी पिछले कल ही मैंने अपनी जो MLA विधायक निधि है लगभग 65 लाख रुपए भिन्न भिन्न पंचायतों को डेवलपमेंट के काम के लिए मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और ये मेरी कोशिश रही है कि हर पंचायत में डेवलपमेंट हो और जो प्रायोरिटी के हिसाब से जहाँ जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने सभी की सहमति से अपनी विधायक निधि का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी भी शामिल है और लगभग 28-29 पंचायतों को मैंने ये पहली किस्त जो है इस साल की जो मैंने दी है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।